पुणि चर्चारे दिल्ली उपराज्यपालंक कार्यानुष्ठान दिल्ली महिला कमिशन को उपरे एलजी छाट दिल्ली महिला कमिशनरु एककालीन 223 कर्मचारी चाकरीरु विदा करा घटना को नहीं एवं सबुठी चर्चा उपराज्यपाल विनय सक्सेना निर्देश क्रमे कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दिल्ली महिला कमिशन पूर्वतन अध्यक्षा स्वाति मालिहाल नियम विरुद्ध नियुक्ति अभियोग आनी उपराज्यपाल कार्यानुष्ठान ग्रहण कर तेबे निर्देश रे कुहाजाई महिला कमिशन रे मात्र 40 पदाधिकारी विभिन्न पदवी रही नियम उल्लंघन कराजाई मात्राधिक कर्मचारी नियुक्ति दिया जाई थिला नियुक्ति समय रे प्रार्थी को कौनसी मूल्यांकन करा जाई नथिला 2017 रे तत्कालीन उपराज्यपाल को पठा जाइथिबा रिपोर्ट आधार रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई छि। इनका ये कहना है कि दिल्ली महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो तो 90 स्टाफ है टोटल, उसमें से सिर्फ 8 रेगुलर कर्मचारी हैं। 9 साल से इनसे मांगे जा रहे हैं हाथ जोड़ के, अरे स्टाफ दे दो, स्टाफ दे दो। जब तक ये स्टाफ नहीं देते तब तक 3-3 महीने पे हमने कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स करे थे। इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार पीड़िताएं हैं। तो अगर सारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दिया जाएगा तो फिर तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा, कैसे 181 हेल्पलाइन चलेगी, कैसे रेप क्राइसिस सेल चलेगा, कैसे क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर चलेगा, महिला पंचायतें चलेंगी। तो पूरे महिला आयोग पे एलजी साहब एक ताला लगाना चाहते हैं। स्वाति मालवाल दिल्ली महिला कमिशन अध्यक्ष दायित्व छाड़ी एबे आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद होइछंती, तेबे अध्यक्ष पद छाड़ीबा 2 मास परे एबे एही गणनियुक्ति विवाद देखा दैछि। कार्यानुष्ठान भितर स्वाति तदंत परिसर को आसीबा संभावना रही। अन्यपटे स्वाति उपराज्यपाल कार्यानुष्ठान को विरोध करने प्रश्न उठाई। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल भितर बिवाद किछि नुआ नुहे, विभिन्न प्रसंग को नहीं तिक्तता और बिवाद पूर्वरु भी देखादी। आउ एबे महिला कमिशन रे गणनियुक्ति और बरखास्त खबर चर्चार विषय पलटि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।